हाय गाइस, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो पोलैंड की टीआरसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ। ये टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होता है, ठीक है, जो आपको अलाउ करता है पोलैंड में रहने के लिए, काम करने के लिए, या फिर आपको शेंगेन कंट्री में अगर ट्रैवल करना है। तो ये टीआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोलैंड में बहुत तरीके से इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ टीआरसी के बेनिफिट्स क्या हैं और टीआरसी आपको कब अप्लाई करनी चाहिए। देखो, अगर आप विजिट वीजा में जा रहे हो, आप इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो पोलैंड में या किसी भी शेंगेन कंट्री में, तो वहाँ पे लगभग सारे प्रोसीजर एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है। और टीआरसी सबकी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि बिना टीआरसी नहीं होगी तो आपका जब परमिट खत्म होगा, वीजा खत्म होगा, आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बताता हूँ टीआरसी किनको मिलती है। टीआरसी उन लोगों को मिलती है जिनके पास लॉन्ग टर्म स्टे वीजा होता है, जैसे वर्क परमिट हो गया, स्टूडेंट वीजा हो गया। स्टूडेंट वीजा में आपके पास जो कॉलेज का लेटर रहता है वो होता है, ठीक है। ये जिनके लॉन्ग टर्म वीजा जिनके पास होते हैं उन्हीं को ही टीआरसी अप्लाई होती है, उन्हीं को ही मिलती है, ठीक है। अब देखो इसकी जो टर्म्स कंडीशन क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंटेशन क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, और पोलैंड में रेजिडेंस कार्ड कितने तरीके के होते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा वीडियो जल्दी खत्म हो, क्योंकि मुझे पता है सब बिजी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टीआरसी। टीआरसी मैंने आपको बता दिया टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, ठीक है। ये पॉलिश का लॉन्ग स्टे डी वीजा होता है, ठीक है। लॉन्ग स्टे, लॉन्ग टर्म डी वीजा, याद रखना मेरी बात को, ये उन्हीं को मिलता है। अगर आप स्टूडेंट वीजा में हो तो आपको कॉलेज से एक एक्सेप्टेंशन लेटर होता है, वो लेना पड़ेगा। और अगर आप वर्क परमिट में हो तो आपको वर्क परमिट और जो अपनी कंपनी है या पॉलिश कोई भी आपका एम्प्लॉयर है उसके हिसाब से लेटर चाहिए होगा, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले इसका ड्यूरेशन कितना रहता है। टीआरसी 1 साल से लेकर 3 साल तक मिलती है, ठीक है। तो 3 साल के लिए वैलिड होती है, आप इसको रिन्यू करा सकते हैं। इसके एक्सपायर होने से पहले आपको इसको रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि या तो आपको पोलैंड में आप जॉब कर रहे हो, या आपके पास लॉन्ग टर्म डी वीज़ा है, या फिर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, कोई भी ऐसा वीज़ा जो लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, ठीक है, उस केस में बेनिफिट इसमें क्या है, बेनिफिट इसमें ये है कि आप पोलैंड में काम कर सकते हो, लॉन्ग स्टे यहाँ पे रह सकते हो। और जो शेंगेन की 26 कंट्रीज हैं, तो 26 कंट्रीज कौन कौन सी हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मालूम है शेंगेन के अंदर 26 कंट्री कौन कौन सी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को एक कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन देने की जो एक चीज़ से जुड़ी हो। जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में फोटो और फीस दो चीज़ मेंशन थी, तो फोटो का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फोटो आपकी 35x40 रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आप कनेक्टिंग वीडियो बनाओ जो आप लोगों के लिए ईजी हो। उसके बाद इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, देखो सबसे पहले वो आप पोलैंड में ऑफिस होते हैं जहाँ पर आप टीआरसी अप्लाई करते हो, ठीक है, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसको वाई वर्डशिप बोलते हैं, वाई वर्डशिप ऑफिस होते हैं, वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेकलिस्ट मिलेगी, वो चेकलिस्ट में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है पहले आप उसको रेडी कर लो, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट जो कि चेकलिस्ट में 1, 2, 3, 4 होगी, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट उसको आप रेडी करो। उसके बाद वो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, याद रखना है इस वर्ड को, टीआरसी के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको पॉलिश लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करके, ठीक है। उसके बाद वो जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए, फीस पे करी और वेट फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट का थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, मैंने आपको यहाँ पे अभी तक ये बताया कि जो टीआरसी है वो क्या होती है, कौन सी वीजा के ऊपर जो बंदे हैं उनको टीआरसी मिलती है, या फिर उसका ड्यूरेशन कितना रहता है, बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उसके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो आपका टीआरसी एप्लीकेशन फॉर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी 4 फोटोज आपको रिक्वायर रहेंगे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट में, ठीक है। वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, वो आपको चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो स्टूडेंट में क्या चाहिए, आपको एक कॉलेज का लेटर चाहिए। और अगर आप वर्क में है तो आपको पॉलिश वर्क परमिट आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा सपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट भी ला सकते हो, डिपेंड करता है गवर्नमेंट की कंडीशन क्या क्या अप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा वैलिडिटी की। ये जो टीआरसी है ये 1 साल से लेकर 3 साल तक आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट कौन सा टीआरसी देने की कोशिश कर रही है, ठीक है।
और इसमें जब आप 5 years आप स्टे करोगे पोलैंड में तो आपको PR भी मिलेगी इसके बाद। फिर मैं बोल रहा हूँ PR के लिए एक सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको बता दिया अभी तक टेम्परेरी रिटर्न कार्ड होता क्या है, किनको मिलता है, ठीक है, आपकी कंडीशन बेनिफिट्स में क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म पोलैंड में रहना है या वहाँ पे काम करना है तो उसके कौन कौन से परमिट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिसका मैंने आपको वीडियो बनाया है टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट, उसके बाद हमारे पास आता है एक परमानेंट रेजिडेंस परमिट, ये एक PR होता है, ठीक है। इस ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसके लिए मैं एक सेपरेट कभी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इस जो आपका रिफ्यूजी स्टेटस, ठीक है, और एक ह्यूमैनिटेरियन एक रेजिडेंस पास होता है, ठीक है। यही पास है पोलैंड में रहने के लिए अगर आप बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो, आउटसाइड ऑफ पोलैंड से आप आ रहे हो, ठीक है। तो गाइज अभी मैंने आपको जो ये मेरा वीडियो था ये मेन मेरा जो मोटिव था TRC के ऊपर था, आप TRC जितनी जल्दी पोलैंड में लैंड कर रहे हो विद इन 2 weeks के अंदर आप इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो भी कंसर्न पर्सन है आपके HR हैं या फिर आपका एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक है या कोई सीनियर बंदा है जिसने ये TRC ली है वहाँ पे जिसको ऑलरेडी 1-2 साल हो चुके, उससे सलाह लेके, ठीक है, उससे एडवाइस लेके TRC अप्लाई कर दो, क्योंकि मैंने सुना है इसमें टाइम लग रहा है, 6 महीने से 7 महीने तक TRC में टाइम लग रहा है, ठीक है। कई बार आपके रिजल्ट नेगेटिव भी आएंगे तो उसमें नेगेटिव जब रिजल्ट आता है TRC का तो उसमें जो है पोलैंड की एम्बेसी लिख के देती है कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और ये आपका जो है हमने रिजेक्ट किया है TRC तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। और जब भी आप TRC अप्लाई करो, ठीक है, तो आप जब सपोज आपका 3 साल का TRC है, लेट्स एग्जांपल आपका TRC 2024 में एक्सपायर हो रहा है तो उसको रिन्यू करने का प्रोसेस आप 2023 से स्टार्ट करो 1 साल पहले से। फिर मैं वही रीजन दूंगा आपको सेम, इसमें टाइम भी लग रहा है, ठीक है, फिर आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो भी होते हैं उसके बाद जब एम्बेसी का डिसीजन आता है अगर रिजेक्ट करते हैं तो भी आपके पास टाइम रहेगा 4-5 महीने का, तो आप एकदम पैनिक नहीं होंगे, आप थोड़ा संभल के डिसीजन ले सकते हैं। और आफ्टर 5 years तो आपको मालूम है PR आप अप्लाई कर सकते हो। अब PR के लिए क्या डॉक्यूमेंट, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, PR के पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत सही वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा पोलैंड के हर छोटे छोटे डाउट को क्लियर करने का। गाइस ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था एक ओपन प्लेटफॉर्म रेडी करूँ जहाँ पर लोगों को एक क्लियर इन्फॉर्मेशन हो। देखो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो तो आपको करने से ही पता चलेगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बहुत एक आइडिया दे देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कल अगर आप ये मेरा वीडियो देख के कहीं जाते हो तो आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन याद रहेगी। सपोज लेट्स एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने दिखाया था आपको कि जब भी आप पोलैंड के लिए अप्लाई करो तो 99% बंदे जो है उनको कंपनी का नाम ही नहीं मालूम होता, उनको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन ही मालूम नहीं, वो बोलते मैं जनरल वर्कर्स में जा रहा हूँ। अरे भाई जनरल वर्कर्स के अंदर आप कितने टेम्परेचर में काम करोगे, आपके बोनस क्या है, आपके एकोमोडेशन कैसे कट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका परमिट एक्सपायर होता है तो उसके चांसेस कितने रिन्यू होने के, या फिर वो कंपनी की रेपुटेशन क्या है, इसके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी बनाया है सेपरेट, तो आपको ये चीज़ें पता होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पोलैंड के लिए अप्लाई करोगे, जैसे मैंने विजिट वीज़ा के लिए आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और विजिट वीज़ा जो है वो उसकी भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, विजिट वीज़ा में आप जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ छोटी छोटी चीज़ों की कवर करने की। उसके बाद जो आपके मैं पोलैंड के स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, फिर हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके पूरे यूरोप को कवर करने की। अभी मैं पोलैंड में फोकस इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं पोलैंड के लिए परेशान हैं, उनके एम्बेसी की कॉल नहीं आ रही है, ठीक है, किसी का तो ऑफर लेटर ही नहीं आया 1 साल हो गया, ठीक है, किसी के वर्क परमिट में टाइम लग रहा है, कोई जो है नंबर 3, नंबर 9, नंबर 10 रिजेक्शन लेके बैठा है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, आप जाके चेक कर सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियो, ठीक है। कई लोगों का क्या है उनका भी वो स्टॉप कर दिया प्लान उन्होंने, तो जिनका प्लान स्टॉप है वो विजिट वीजा में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप आफ्टर ऑल आपको पोलैंड के अंदर जाना ही है ना, तो विजिट वीजा भी ट्राई कर सकते हो, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। स्टूडेंट वीजा भी एक तरीका है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर वर्क परमिट में आप नहीं जा रहे हो तो आप स्टूडेंट वीजा लेके जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका गैप आपकी एजुकेशन जस्टिफाई होनी चाहिए, उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा गाइस, ठीक है। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसको चैनल को वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी पोलैंड का ट्राई कर रहे हैं। मेरे पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ,
अब मैं धीरे धीरे जॉर्जिया के लिए जाऊंगा, फिर मैं स्पेन, पुर्तगाल, जहां जहां मैं आपको पहुंचा सकता हूँ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा अधिकार है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, अच्छी गाइडेंस देना, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। ये टीआरसी का वीडियो था, वीडियो वीजा का वीडियो मैंने बना चुका है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके पोलैंड के वर्क परमिट के कितने टाइप होते हैं, सीजनल परमिट क्या होता है, मैंने ये भी बताया। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप कनाडा के अंदर एंटर हो सकते हैं तो कौन कौन से जो है आपको वीजा चाहिए रहेंगे, जैसे विजिट वीजा हो गया, स्टूडेंट वीजा हो गया, इन्वेस्टमेंट वीजा हो गया, ठीक है, और वीजा के टाइप ए बी सी डी एस, इसके डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसमें रजिस्ट्रेशन के चांसेस कितने हैं, ये सब मैंने आपको बताया। तो मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था, मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बता दिया कि भाई ये वीडियो जो है टीआरसी के ऊपर है, लेकिन मैंने आपको बोला फी और फोटो, ये दो चीज़ मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा गाइस, और मैं नहीं चाहता कि एक टाइम कंज्यूमिंग करूँ। तो 10 मिनट्स 12 मिनट्स 15 मिनट्स अगर आप निकालोगे अपनी लाइफ के, तो आप फ्रॉड से बचोगे, आपके पास सही इन्फॉर्मेशन आएगी। और सही बता रहा हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ ना 15 मिनट के अंदर या 11 मिनट के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं लोगों ने पूरा साल साल लगा दिया और उनको आज तक नहीं मालूम इन चीज़ों के बारे में जो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता हूँ। तो गाइज़, ये सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने ये चैनल ओपन किया था कि हम सब मिलके काम करें एक साथ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आए, और अगर आपको लगता है कि इस कमेंट का आप रिप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप करो, ठीक है, क्योंकि कई बार मैं भी बिजी होता हूँ, मेरे को भी बहुत मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता उन लोगों का, ठीक है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आके आप एक दूसरे को भी अपनी सलाह दे सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, और पोलैंड के हम जितने भी वीजा तरीके हो सकते हैं आप वहाँ पे पहुँचने के, और उसके बाद पहुँच के टीआरसी कैसे अप्लाई करना है, पीआर कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद वहाँ से आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, मैं सब कुछ कंप्लीटली एक वीडियो पूरा सीरीज लेके आऊँगा। और मेरा मोटिव यही है आप लोगों का टाइम, पैसा और फ्रॉड होने से बचाना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।